हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। शिव टेक्स केम लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे थ्री का सब्सक्रिप्शन अब इन्होंने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 8 अक्टूबर को ओपन हुआ था, 10 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 101.35 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 61.06 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 11 अक्टूबर, बीएससी एसएमई पर लिस्टेड होने जा रही है। 15 अक्टूबर का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 158 to 166 प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का और एंकर इन्वेस्टर से 28.87 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में जो सब्सक्राइब किया गया टोटल अगर देखा जाए तो QIB से 3.22 टाइम का, HNI से 15.81 टाइम का, रिटेल से 14.54 टाइम का सब्सक्राइब है। QIB से ओवर सब्सक्राइब है, रिटेल और HNI से बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 11.58 टाइम का सब्सक्राइब है, जो किसमें से गाइस QIB डे टू में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, डे वन जितना था उतना ही डे टू में है, लेकिन HNI से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया, अराउंड 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। रिटेल में 3 टाइम्स के अराउंड इंक्रीज किया है रिटेल में, तो गाइस बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है 2 दिन में। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी ट्रेंड कर रहा है अगर देखा जाए तो 40 रुपीज का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 24% का एक अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है, एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें, 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, हाइड्रोकार्बन बेस्ड सेकेंडरी और टर्शरी केमिकल्स, जो कि इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है न्यूमरस इंडस्ट्रीज के लिए, इसका इम्पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती है ये कंपनी। हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल्स जो कि एसिटाइल्स, एल्कोहल, एरोमेटिक्स, नाइट्राइल्स, मोनोमर्स, ग्लाइकोल्स, फेनोलिक, कीटोन्स और आइसोसाइनेट्स प्रोडक्ट फैमिली, जो कि इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल और फीड स्टॉक्स है, रॉ मटेरियल होता है इसका, मतलब कि ट्रेड, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करता है और वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे पेंट्स, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए जैसे फीड स्टॉक्स भी प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरी और टर्शियरी केमिकल्स जो कि इंडिस्पेंसेबल बेसिक रॉ मटेरियल्स है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे पेंट्स, कोटिंग्स, प्रिंटिंग इंक्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए। और कंपनी जो है इन सभी केमिकल्स को इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स से जो है सो प्रोक्योर करता है और इसको जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में, जिससे सफिशिएंट को इंश्योर करता है और टाइमली सप्लाईज को जो है सो मैन्युफैक्चरर्स को इंश्योर करती है। और कंपनी के कुछ कस्टमर्स की बात करें तो इसमें है एक्वाटेक्स इंडस्ट्रीज, हिमानी इंडस्ट्रीज, GFL मतलब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, और कंपनी इन सभी केमिकल्स को अलग अलग कंट्री जैसे चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, कुवैत, कतर, USA, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली जैसी अलग अलग कंट्रीज से जो है सो केमिकल्स सोर्स करती है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 22 में इसका जो प्रोडक्ट था पोर्टफोलियो में 21 प्रोडक्ट था, लेकिन 24 में 39 प्रोडक्ट इंक्रीज किया है, एक्सपेंड किया है, और इसका रेवेन्यू कस्टमर बेस भी 22 में 400 कस्टमर्स था, जिससे ग्रो करके 24 में 650 कस्टमर्स पर इंक्रीज किया। तो यहाँ पे गाइस कंपनी जो फंडामेंटल है बहुत तेजी से इंक्रीज कर, अपना बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो चाहे कस्टमर बेस हो। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 50 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो डिफ्रेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड रिटेल एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के साथ, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कस्टमर बेस जो कि एक्सटेंसिव सप्लाई नेटवर्क के साथ, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड एक्टिव रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ फॉलो करता है, एक्सपीरियंस डेडिकेटेड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ। और कंपनी जो है ज़्यादातर फोकस कर रही है स्टोरेज सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में, और कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। फिनेंशियल की बात करेंगे, 22 में 865.4 करोड़ का रेवेन्यू, 13.8 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 1118.6 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1536.6 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का प्रॉफिट है, फर्स्ट क्वार्टर 25 में 567 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला, अच्छी ग्रोथ, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें, कंपनी जो है इंटरनेशनल सप्लायर्स पर जो है सो अलग अलग कंट्रीज से रिलाई करता है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स से रिलेटेड रिस्क फेस कर सकता है, और इंडस्ट्रीज जैसे एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, इसमें जो बिजनेस कराई है इसके सब्सिडी मतलब कि क्लाइंट्स है, और इसके डिमांड में फ्लक्चुएशन के कारण भी जो है सो इम्पैक्ट कर सकता है, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट दे रही है जिसके कारण कंपनी को करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का भी एक्सपोज हो सकता है, हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है।
अगर हम बात करें गाइस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी प्राइस दिखाया गया 25 के अकॉर्डिंग, इसलिए और रिसेंट परफॉर्मेंस भी जो है ना, कंपनी का जो ट्रेंड है ये प्रोस्पेक्ट कर रहा है, आगे इंडिकेट कर रहा है गाइस कि कंपनी अच्छी मेंटेन करेगा। और इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले गाइस आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।